टीम हम इस बात के लिए एक्साइटेड हैं कि इस बार ऑडियंस को कैसा लगेगा, पसंद आएगा, कितना पसंद आएगा इस बार, क्या उसका उतना ही बवाल मचेगा जितना पहले मचा था कि नहीं। आई रियली एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, सो आई थिंक ओटीटी से बॉलीवुड तक की जर्नी अभी बाकी है। सिनेमा इधर क्या है उधर क्या है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द आर्ट फॉर्म, और हर एक के अंदर वही जज्बात होती है कि इसको किस तरीके से अच्छा किया जाए। सो सब जगह में वैसे ही है। सो फाइनली अंधेरी सीजन 3 आ रहा है, सो कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड हम तो हैं ही, हम इस बात के लिए एक्साइटेड हैं कि इस बार ऑडियंस को कैसा लगेगा, पसंद आएगा, कितना पसंद आएगा इस बार, क्या उसका उतना ही बवाल मचेगा जितना पहले मचा था कि नहीं, तो इन सारी बातों का इंतजार है। सो ये उम्मीद है कि जैसे पहले दर्शकों ने इतना पसंद किया अंधेरी सीजन 1 और 2 को, सीजन 3 को भी उतना प्यार मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं आप? हम तो ऐसी उम्मीद करते रहेंगे, यही चाहते रहेंगे, यही होना चाहिए। सर हर्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने टेलीविजन की दुनिया जब चालू हुई थी तब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, और कई बॉलीवुड मूवीज में आपको देखा गया, वो बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर है, सो आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। इतना बड़ा सवाल आपने पूछ लिया है, पूरा 10 मिनट का कहानी चलती चली जाएगी। लेकिन मैं बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था एक्टिंग में, स्कूल से ही मैं कर रहा था, वहीं से करते करते एमएचओ स्टेज पे मैं काम करता था, और वो शौक बढ़ता चला गया, तो फिर पता चला कि उसके लिए तो मुंबई जाना ठीक रहेगा, तो मुंबई आ गए और यहाँ अपनी कोशिश करते रहे, और वो कोशिश अब तक चल रही है, जो आज की तारीख में अंधेरी की 3 तक पहुँची है, और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर और आगे बढ़ती रहेगी। मस्त सुनाया ना, सही सुनाया ना एकदम, आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाली सिनेमा में मैं बहुत कम काम किया है। मैंने ले दे के कुछ 3 या 4 फिल्मों में काम किया पूरे करियर में। मैंने ज़रूर थिएटर की शुरुआत मेरी कलकत्ता में हुई थी, मेरा होम टाउन, लेकिन उसके बाद जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चला गया NSG, उसके बाद से मेरा पूरा बंगाल के बाहर ही मेरा कामकाज रहा है। फिर मैं उसके बाद फिर मेरी मेरा सारा काम जो है वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री मुंबई में ही है। ले देखिए, बात ये कि अगर आप कहें कि सिनेमा इधर क्या है उधर क्या है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द आर्ट फॉर्म, और हर एक के अंदर वही जज्बात होती है कि इसको किस तरीके से अच्छा किया जाए। सो सब जगह में वैसे ही है, और कल्चर में कभी कभार कल्चरल फर्क होता है, कभी मुंबई में आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, कलकत्ता में आपको कभी गर्मी कम लगती है, ये सारी चीज़ें तो होती रहती, वो तो नेचुरल कैरेक्टरिटीज है। बाकी सिनेमा में ऐसा कुछ कोई अंतर नहीं है, तो भाषा का अंतर है, और आजकल सिनेमा जो है ग्लोबल हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही है कि एक बार अंधेरी की सीजन 3 रिलीज हो जाती है तो एक साथ हर एवरी मोबाइल फोन इज द मल्टीप्लेक्स आज की तारीख में ना, तो इतनी बड़ी रीच हो चुकी है, तो सब जगह में एक ही तरीके से एक ही लेवल पे ही काम चल रहा है। सूर्या, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप OTT में बैक टू बैक सीरीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर लास्ट बॉलीवुड में आपको वीर दी वेडिंग में देखा था, दर्शकों ने काफी पसंद किया था, तो आगे हम देख सकते हैं आपको बॉलीवुड में और आगे? मैं तो आया हूं काम करने। तो आप बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स आगे करने वाले हैं मतलब? मैम अभी तो ऐसा कोई फिल्म है नहीं कि जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उसमें मैं काम कर रहा हूं या है नहीं, बट यस मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे और करना चाहूँगा बॉलीवुड में, एंड आई रियली एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, तो आई थिंक OTT से बॉलीवुड तक की जर्नी अभी बाकी है, वी विश देयर। सो कहीं ना कहीं जो OTT प्लेटफॉर्म है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, सो आप लोग को लगता है फ्यूचर में आप ये महसूस करते हैं कि मूवी का क्रेज कम हो जाएगा OTT की वजह से?
आपने नाम नहीं लिया इसलिए पता नहीं हम किस कौन जवाब है या कोई भी उठा आप सबके लिए कौन या आपसे शुरू करते देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी कभार वैसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी मीडिया कम्प्लीटली एबोलिश हो जाए इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजिकल थिंग जैसे कि मोबाइल आने के बाद पेजर गायब हो गया वो नहीं इट इज द आर्ट फॉर्म इज नॉट अ एक बिल्कुल तात्क्षणिक नहीं है ये फ्रैगमेंटेड फॉर्म नहीं है मतलब ये जिस दिन से सिनेमा चालू हुई है उस दिन से सिनेमा एक ऐसा इतना बड़ा लार्जर देन मैग्नम ऑपस में आपको इतना ज़्यादा मूव करती है ये आप मैसेज क्रिएट कर सकते हो आपको लार्जर देन लाइव एंटरटेनमेंट मिलता है तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है और OTT ने क्या किया OTT ने जैसे आपने जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एवरीप्लेक्स इज अ मल्टीप्लेक्स तो OTT बहुत OTT की डोमेन पब्लिक डोमेन में है मतलब वो रीचेबिलिटीज उसकी बहुत खतरनाक लेवल को तो ऑल्टरनेट मैं तो ये कहूँगा कि इट्स अ रेनेसां टाइम फॉर अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट कि एक नया डिवाइस आया है जिस डिवाइस के चलते ये आपके सामने आ चुका है क्योंकि फिल्म थोड़ी सी एलिटिस्ट होने लगी है लगी थी कि क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक बार एक पिक्चर देखने के लिए जाइए अब तो 2000 रुपये आपका चला जाता है सो और ये 2000 रुपये में आपको चार एक दो तीन साल के इंडस्ट्री मिल जाता है कुछ भी देख सकते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ चुका है अदरवाइज कोई फॉर्म जाने वाला नहीं है मतलब सिनेमा आने के बाद थिएटर गया क्या लोग कहते थे थिएटर चला जाएगा लेकिन थिएटर अब लोग और भी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं वो लाइव आ रहा है सो हर एक मीडिया की एक खासियत है तो ये चलता ही रहेगा क्योंकि जो फिल्म में मैग्नम ऑपस में देखने में आपको अच्छा लगता है तो आप मैग्नम ऑपस नहीं देखना चाहेंगे मोटा मोटी तो यही है उसमें तो और कुछ जोड़ने को है नहीं लेकिन ये हो सकता है कि अमुक जनरेशन तक जो लोग बड़े हो रहे थे वो सिर्फ सिनेमा देख रहे थे टेलीविजन भी उनकी ये बात ना है और सिनेमा वैसी दुनिया भर के बाजार में उसका एक बहुत एक अलग ही उसकी छाप है सिनेमा से ह्यूज थिंग लेकिन आई डोंट नो आने वाले जनरेशन में ये हो सकता है क्योंकि अब इतने सारे एवेन्यूज आप फिल्म भी देखते हैं टेलीविजन भी देखते हैं वेब सीरीज भी देखते हैं यूट्यूब पे अपना इंडिविजुअल कुछ बनाते हैं टिकटॉक चलता है 10,000 चीज़ें सो मे बी इन द कमिंग जनरेशन द क्रेज फॉर फिल्म ओनली मे कम डाउन बिकॉज अब जो बड़े हो रहे हैं और नई चीज़ें देख रहे हैं उनके लिए सिनेमा शायद उतना बड़ा न रहे जितना हम लोगों के लिए है हम वही देखते बड़े हैं और उसके पीछे हमारी उसकी पूरी 100 साल की हिस्ट्री हमारे दिमाग में काम कर रही है जो आने वाली जनरेशन के साथ शायद ऐसा ना हो बट दैट वो तो वक्त आके पता चले लेकिन ऐसी गुंजाइश हो सकती है आगे से बिल्कुल सही कहा इवॉल्व हो रही है चीज़ें और मतलब पहले सिनेमा था आप थिएटर में जाके देखते थे वही आपके पास एक मीडियम था अदरवाइज TV पे आती थी फिल्म अब वो OTT पे आई तो ये भी एक इवॉल्व हुई है चीज़ एंड फिल्मों का अपना एक मज़ा है जो बेगू सर ने बताया वो जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको थिएटर में मिलेगा और जो OTT का है वो उसका अपना मज़ा है बट व्हाट आई फील जो मुझे अपनी फैमिली का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो आफ्टर लॉकडाउन उन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है OTT पे तो हम लोगों की कोई 6 लोगों की फैमिली है बट 6 के 6 लोग अपने अपने तरीके के शोज देख पाए एज कम्पेयर टू गोइंग टू फिल्म और फिल्में एनी विच वे इज कमिंग टू OTT मतलब अभी तो आप कोई फिल्म रिलीज अगर हो रही है तो वो फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म के साथ रिलीज होती है कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आएगी ये फिल्म अमेजोन पे आएगी ये फिल्म सोनी लिव पे आएगी तो एनी विच इज कमिंग तो मेरे लिए भी अच्छा है कि अगर कोई मैं माने 9 से 5 की जॉब करता हूँ मेरे को घर आना है देखनी है फिर पॉज किया खाना डाला खाना खाया फिर वापस पॉज तो ये सब चीज़ें हैं जैसे जैसे मतलब लाइफ इवॉल्व हो रही है उसी तरीके से सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर रहे हैं सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया आप उसमें जितना एक्टिव रहेंगे उतना नहीं मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा नहीं कि सोशल मीडिया में रहता हूँ तो अचानक जो है
पहले अगर 5 लोग काम देते थे तो अब 500 लोग काम देने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हमको दिखते रहना चाहिए, हम लोग वहाँ हैं। ओके, हम में से तो कई लोग बीच बीच में छोड़ ही देते हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते। और मैं वो लॉग आउट भी नहीं करता, मैं डिलीट ही करते रहता हूँ। मेरा इंस्टा 6-7 बार बना है, डिलीट हुआ है। ट्विटर 6-7 बार बना है, डिलीट हुआ है। फेसबुक 6-7 बार बना है, डिलीट हुआ है। वो चीज़ है बिल्कुल, मतलब। और सोशल मीडिया आज के डेट में, मतलब अगर बोला जाए प्रिसाइसली बोलता नहीं कोई, लेकिन इंस्टाग्राम ही है और ट्विटर है, एक्स जिसका नाम है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना विजुअली आप लोगों को दिखाते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं या आप कोई रील डालते हैं कुछ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलता है। लाइक अगर कोई देखना चाहता है कि अच्छा ओके ठीक है, अगर किसी ने ट्रेलर डाला है, किसी ने कोई अपना एक्टिंग का कोई मोनोलॉग डाल दिया, कुछ ना कुछ किया, तो वो सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ये मेरा मानना है। इसीलिए अदरवाइज अगर नहीं होती तो मैं सबसे पहले निकल लेता हूँ, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि आपको दुनिया के साथ चलना है और उसी में ही जीना है। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि मेरे लाइफ में इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ही नहीं। सच कुछ नहीं, लाइफ शुड बी वेरी सिंपलर, कि कौन कौन आज पत्थर से गिर के, कौन बर्फ के पानी में नहाया, ये रील मेरे पास क्यों आएगा, मैं क्यों देखूं। सो इट इज़ वेरी अनोइंग। सो जितना उससे दूर रहा जा सकता है उतने फेक वर्ल्ड से उतना ही अच्छा है। वो एक कम्प्लीटली एक बबल है, वो तो उसको देख के तो आप नहीं जा सकते, मतलब किसी भी, मुझे तो लगता है कि मतलब जो जिसका मान लो 60 मिलियन फॉलोअर है, उसके 1 मिलियन में नहीं आता बाद में पिक्चर देखने के लिए, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली एक अजीब वर्ल्ड, अजीब दुनिया। बिल्कुल सही बात है तो फेक ही है, बट वही है कि इन द एंड दुनिया चल उस तरीके से रहेगी। हाँ मतलब क्या हमने बहुत सारा जिम ऐसा जिया जिसमें ये सब नहीं था, इसीलिए एक सोच है कि भाई उसके बिना भी कुछ चल रहा था, लेकिन फिर जो नए लोग आए हैं वो उसी माहौल में बड़े हुए हैं तो उनका पर्सपेक्टिव अलग है। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वेयर वी स्टैंड एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आई गेस। सो आप सबको अनदेखी के लिए मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आई होप अनदेखी इस बार भी बहुत सारा टीआरपी में जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एएनआई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।